अनार कुदरत का शानदार तोहफा है। इसके दरख्त की छाल, फूल, पलका, छलका और यहाँ तक के पत्तियां भी मुफीद है। जायके लिहाज से इसके तीन अकसाम हैं, अनार शीरीन, अनार तुर्श और अनार मंजूश, यानी खट्टा मीठा। ये तीनों ही अकसाम दवा और गजा में खसूसी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अनार दिल और दिमाग को फरहत बख्शता है। इस खुश जायका यानी टेस्टी फल और इसके जूस के इस्तेमाल से आप कई ऐसे फायदे हासिल कर सकते हैं जिनको मसनूई तरीके से हासिल करने के लिए आपको कई कड़ी और महंगी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अनार ज्यादातर मौसम सरमा में मिलता है, लेकिन बास खवातीन सरमा में ही इसके रस को डब्बियों में फ्रीज कर लेती है ताकि वो काफ़ी अरसा तक इसके रस से फ़ायदा उठा सके। अनार का जूस सिर्फ जायके में ही मज़ेदार नहीं होता है, बल्कि इसके कई ऐसे तबी फवायद हैं जो इंतहाई अहम होती है। अनार का जूस जहां दिल के लिए मुफीद है, वहां ऐसे आम थकावट को दूर करने के लिए एक बेहतरीन मशरूब समझा जाता है। अनार का जूस पीने से काम काज की तरफ ध्यान की शरह दुगनी हो सकती है। माहरीन तब अच्छी सेहत और जहनी दबाव को कम करने के लिए अनार के जूस को एक बेहतरीन टॉनिक करार देते हैं। अनार का शरबत पीने से जिस्म में तनाव के हार्मोन्स की सतह कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तासीर मुतदिल मुइन है, पेशाब और प्यास बजाता है। अजाए राइसा खसूसी जिगर को कुवत देता है और खून पैदा करता है। 100 ग्राम अनार में सिर्फ 83 किलो कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से आपको दिन भर अलर्ट और एक्टिव रहने के लिए तवानाई मिलती है। अगर आप डाइट पर हैं तो अनार का जूस ज़रूर पिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा तादाद में फाइबर मौजूद होते हैं, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपका हाजमा भी तेज़ होगा। इससे भी ज़्यादा बेहतर बात यह है कि अनारों में सैचुरेटेड चकनाई मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से ये डाइटिंग कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा का काम देते हैं। अमराज़ चश्म के लिए मीठे अनार का रस निकाल कर सब्ज़ रंग की बोतल में 40 दिन धूप में रखने के बाद इस पानी को सलाई या ज़रापर के ज़रिए आँख में लगाना मुफीद है। ये पानी जितना पुराना होगा इतना ही इसके फ़वाद में इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा पुरानी से पुरानी पचश और मरूड़ के लिए अनार के छिलके का रस बेहतरीन दवा है। रोज़ाना अनार का जूस पीने से पेट के गुर्द जमा होने वाली चर्बी का खात्मा होता है। अनार के जूस में पाए जाने वाले कुदरती अज्जा मोटापे का बायस बनने वाले खुलियात का खात्मा करके चर्बी गुलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अनार का इस्तेमाल गुर्दे के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगर आप रोज़ाना 8 उनस का अनार का जूस पिए तो आपकी जल्द दानों से पाक, जवान और चमकदार नज़र आएगा। प्यूनिक एसिड की वजह से अनार का जूस आपकी जिल्द को सर्दियों में खुश्की और करदरेपन से महफूज रखता है। ये एसिड बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी वाकिया होती है। इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा लोग अनार से हासिल कर के तेल को जिल्द और बालों पर इस्तेमाल कर रहे सकते हो। इसके अलावा एक गिलास जूस में 2 चपातियों के बराबर गजाइत मौजूद होती है। इसमें नशास्तदार अज्जा कम होते हैं, ताहम इसमें विटामिन ए और बी की काफ़ी मकदार मौजूद होती है। एक तहकीक के मुताबिक अनार का जूस ब्रेस्ट कैंसर के खुलियात को ख़त्म करता है, जबकि सेहतमंद खुलिये बिल्कुल ठीक हालत में रहते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर के खुलियों को पैदा होने से भी रोकता है। एक और तहकीक से पता चला है कि अनार का जूस फेफड़ों के कैंसर को बढ़ाने से रोकता है और ये मसाने के कैंसर को सुस्त करने में माहौन साबित होता है। इसके अलावा 8 उनस अनार का जूस रोज़ाना PSA लेवल को मुस्तहकम रखता है, और अगर आप इलाज को करते हो तो आप इलाज से भी छुटकारा हासिल कर सकते हो। स्कॉटलैंड में होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक 7 उनस अनार का जूस रोजाना 5% के हिसाब से सीटल ब्लड प्रेशर को नीचे करता है। इसके अलावा अनार का जूस पीना दांतों को कीड़ा लगने से बचाने का एक कुदरती हल भी है। अनार का ताज़ा रस पीने से बंद रगे भी कूलने लगती है, जबकि नज़ला जुकाम में भी इसका जूस इंतहाई मुफीद होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए घंटे के निशान को भी दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर ही मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।